तो आपको ये जानकारी हो गई होगी कल ही इसको लेकर के मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि अब हो गया शिक्षा मंत्रालय, उसके द्वारा नई शिक्षा नीति जारी की गई है। और नई शिक्षा नीति ये प्राथमिकता में थी सरकार की। प्राथमिकता में कैसे थी? जब 2014 में चुनाव हुए तो उस चुनाव में जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार के मैनिफेस्टो में था कि हम नई शिक्षा नीति लेकर के आएंगे। और बहुत ज़रूरी है अपने देश में। देखो, यदि देश में हमें बहुत बड़े बदलाव करने हैं, यदि हमें देश का बहुत बड़े स्तर पर विकास करना है, यदि हमें देश को विश्व के अग्रणी देशों में लाकर खड़ा करना है, तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने देश के शिक्षा पद्धति को बदल दें। यदि शिक्षा पद्धति को बदल देंगे तो हमारे देश की जो पूरा जो यूथ है, जो जो आकर के भविष्य का निर्माण करेगा, जो भविष्य का लीडरशिप क्वालिटी हमारे यहाँ पर, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जो मानव संसाधन है, अब तो मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया। और ये इसी कारण था क्योंकि मानव को संसाधन के रूप में देखना ये औचित्यपूर्ण नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। यदि हमारे यहाँ पे स्किल्ड और मल्टी डायमेंशनल हमारे यहाँ का यूथ होगा, बहुआयामी व्यक्तित्व का जुड़ाव होगा उसका, तो कहीं ना कहीं देश के निर्माण में वो सबसे अग्रणी भूमिका निभाएगा। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना। तो इसी विषय वस्तु को आज जो है मैं आप सभी से डिस्कस करूँगा। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों ने इस विषय वस्तु के बारे में जानकारी ले ली होगी, लेकिन अब देखिए इस विषय पर लगातार आपको बहुत सारे बिंदुवार जानकारी आपको मिलेगी अभी धीरे धीरे अभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, कुछ चीज़ें अस्पष्ट हैं, तो समय के साथ मैं आपको बताता जाऊँगा। लेकिन नई शिक्षा नीति क्या है, इसमें कौन कौन से परिवर्तन, क्या क्या बदलाव हैं, किस तरीके से इसको जो है नई शिक्षा नीति पर क्या क्या नए मानक बन के आए हैं, किस तरीके से शिक्षा को समग्र बनाने का प्रयास किया गया है, किस तरीके से शिक्षा को बहुआयामी बनाने का प्रयास किया गया है, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। कुछ बिंदुवार चर्चा मैं आपसे करूंगा, बाकी मैं समय के साथ आपको अपडेट करूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि नई शिक्षा नीति 2020, इसको लेकर एक अध्यादेश आया है, और अध्यादेश कहें एक बिल आया है जिसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। एक बिल आया है नेशनल हायर एजुकेशन बिल, जिसको कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई है। यही आपका शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ बिल। अब ये संसद में जाएगा, संसद से पास होगा, और फिर इसके बाद ये अभी एक्ट में बदल जाएगा। अभी ये विधेयक है, विधेयक से फिर कानून में तब्दील हो जाएगा और लागू हो जाएगा। तो नेशनल हायर एजुकेशन बिल 2020, इसको कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई है और इसलिए बहुत चर्चा में है। और आपको इस बिल के बारे में जानना होगा क्योंकि आप भी एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको पता होगा 1986 में हमारी राजीव गांधी सरकार थी, और राजीव गांधी सरकार के दौरान ही शिक्षा नीति थी। और उसके बाद अभी 34 साल बाद जो है ये 2020 में नई शिक्षा नीति आई है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको लेकर थोड़ा सा हम लोग दो चार बातें डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मौजूदा सरकार है, इसके मैनिफेस्टो में ये विषय था। ये सरकार चाहती थी कि हम एक नई शिक्षा नीति लाएंगे, और चूंकि देश में समय के साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं वैश्विक तौर पे, और उस आधार पे शिक्षा को बहुआयामी बनाना बहुत अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव थे जिनका नाम था टी एस आर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। पहली कमेटी कब बनाई गई? 2015 में। काम क्या था? नई शिक्षा नीति के को लेकर के एक मसौदा बनाना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के रिकमेंडेशन देना। तो 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव हैं जिनका नाम है TSR सुब्रमण्यम, आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, उसने शिक्षा नीति का मसौदा भी प्रस्तुत किया, लेकिन ये मसौदा पूरी तरीके से सरकार के द्वारा स्वीकार भी नहीं किया गया और ये ठंडे बस्ते में चला गया। ठीक, इसके बाद एक और कमेटी बनाई गई 2016 में एक और कमेटी बनाई गई, और ये वैज्ञानिक थे, इनका नाम था अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, नाम था के कस्तूरी रंगन। इनका नाम याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, के कस्तूरी रंगन। तो पहली समिति आपकी बनी थी टी एस आर सुब्रमण्यम, ये है, यहाँ पर है के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 2016 में एक कमेटी बनाई गई, और इसके द्वारा भी जो है 31 मई 2019 को डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा जो मसौदा बनाया गया उसको सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया 31 मई 2019 को। ठीक है, और तब अब उसको लेकर के आज की डेट मतलब कल 4 बजे 29 जुलाई 2020 को
जो है कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई और उसको लेकर के पूरी विवेचना दी गई। जो हमारे इस समय शिक्षा मंत्री हैं और जो शिक्षा को लेकर के सचिव हैं, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें दी गई इस चीज़ को समझना है, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चीज़ें बदली गई हैं, क्या क्या चीज़ें होनी हैं, इसको लेकर क्या जुड़ाव हैं। तो पहले दो समय कमेटी हैं, दोनों कमेटी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहली कमेटी 2015 में बनाई गई थी, जिसकी जो रिकमेंडेशन थी उनको स्वीकार नहीं किया गया था। कौन थे इसके सचिव? TSR सुब्रमण्यम, इनका नाम याद होना चाहिए, TSR सुब्रमण्यम पूर्व कैबिनेट सचिव थे, और दूसरे थे K कस्तूरी रंगन, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। इन दोनों की अध्यक्षता पे ये दो कमेटी आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। अब बात है कि जो कैबिनेट मंजूरी मिली है नेशनल हायर एजुकेशन बिल को, नेशनल हायर एजुकेशन बिल को, इसमें क्या क्या बिंदु हैं, क्या क्या पॉइंट हैं, आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। और सबसे पहली बात, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, दिमाग में बैठा लीजिएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब देखिए, अभी इसको लेकर बड़ा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि आप नाम ही बदल रहे हैं, आप पहले योजना आयोग को नीति आयोग कर दिए, कुछ बदला नहीं उसके बाद, है ना। तो नाम बदलने से चीज़ें हो जाएंगी क्या, है ना। तो मंत्रालयों के नाम बदल रहे हैं, बदले जा रहे हैं, नाम बदलने से क्या होगा क्या नहीं होगा, ये एक अलग डिबेट की विषय वस्तु होगी, इस पर मैं नहीं जाऊंगा, इस पर कभी फिर हमारी चर्चा होगी। लेकिन बात यह है कि जो ये पूरा बिल लाया गया है, इस बिल में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। तो पहला परिवर्तन किया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या कर दिया गया है, अब इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। क्या बहुत स्पष्ट है, अब तो बहुत क्लियर हो गया, शिक्षा मंत्रालय है ना, यानी कि पढ़ाई से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। इसमें अब क्या है, इसमें एक नया तरीका, शिक्षा नीति में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बेसिक एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन सभी को ध्यान में रखा गया है। प्रयास ये किया गया है कि शिक्षा पहली बात समग्र हो, हमारे व्यक्तित्व का भी विकास करे, है ना, और साथ साथ हमें बहुआयामी बनाए, बहुत जरूरी है छात्र को बहुआयामी बनाए। तो इसको लेकर बहुत सारे कार्य किए गए हैं, मैं सबको आपको बिंदुवार बताता चला जाऊंगा, एक एक चीज समझने का प्रयास करिएगा। आप जब अभी तक बहुत सारे छात्र हैं जो पढ़ रहे थे, हम लोग 10+2 का फॉर्मेट देखते थे, ये फॉर्मेट अब खत्म कर दिया गया है। 10+2 फॉर्मेट की जगह पे अब एक नया फॉर्मेट लाया गया है, जिसको बोलते हैं 5+3+3+4 फॉर्मेट, एक ये नया फॉर्मेट है ना। अब आपको पता है कि जब बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है, तो पहले प्री प्राइमरी 3+ क्लास 1+ क्लास 2 आपका, ये जो है 5 साल की अवधि यही होती है, सेकंड तक आने में बच्चे को 5 साल की अवधि लगती है ना। पहले आप देखते हैं KG है, फिर UKG है, फिर इसके बाद LKG है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक बनाया गया, इसके बाद क्लास फर्स्ट पे बच्चा आता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक बार इनको समझते जाइए, फिर कुछ चीज़ें मैं आपको बताता भी जाऊँगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ क्या है इसमें, सबसे पहले क्या है इसमें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो है ये मसौदा पूरा का पूरा बनाना था। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है ये, आपका पहला 10+2 को फॉर्मेट को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, और ये एक नया फॉर्मेट आया है, जिसमें से पहला है आपका, पहला है जो 5 है इसमें, 5+3+3+4। इस फॉर्मेट को आसान भाषा में समझिए, ये फॉर्मेट बहुत कठिन नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, चीज़ों को समझना है आपको, मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको समझा पाऊँ। तो इसमें किया क्या गया है, पहले का 5 वर्ष जो है, पहले का 5 साल, इसमें क्या, प्री प्राइमरी स्कूल प्लस कक्षा 1+ कक्षा 2 सही, तो 5 साल इसको फाउंडेशन स्टेज कहा गया। क्या बोला गया इसको? फाउंडेशन स्टेज, पहले बच्चे का पहला स्टेज है फाउंडेशन, 5 साल का, ठीक है। हाँ बिल्कुल, फाउंडेशन स्टेज तो वही है, इसमें बच्चे को शिक्षा के प्रति रुचि विकसित करना, उसके अंदर एक शिक्षा को लेकर के, क्योंकि ये प्रारंभ होता है बच्चे का, है ना, ये शुरुआत होती है, तो शुरुआत में विद्यालय उसके लिए एक सर्वांगीण विकास का एक मार्ग बने। इसको लेकर अभी मैं डिस्कस करूंगा कि किस स्टेज पर क्या करना है। इसके बाद अगला जो है, अगला 3 साल, क्योंकि 5+3 है, तो 3 से लेकर 5 तक, क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5, ठीक है, इसको जो है, इसको एक अगले चरण के तौर पे इसे विकसित किया गया है। और इसके बाद अगले 3 साल को क्लास 6 से लेकर 8 तक, ये अगला 3 साल है, तो ये 5+3+3, और इसके बाद अगला जो आपका 4 वर्ष है, क्लास 9 से लेकर 12 तक, तो +4। अब इन सभी
में अलग अलग तरीके से शिक्षा के मानक विकसित किए गए हैं, मैं सबको आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करें कि हमें पहले मानक पे क्या करना है, पहले मानक पर बच्चों को कैसे जो है विकसित करना है, उनके मस्तिष्क को कैसे शुरुआत करना है। तो सबसे पहला है शुरुआत जो है 5+3+3+4 मानक, इसको लेकर कैसे डिजाइन किया गया है, अब ये बहुत स्पष्ट किया जाएगा आगे चल के क्या होगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि पहले तहत जो 5 वर्ष इसे फाउंडेशन स्टेज जिसे कहा गया है, इसके दौरान छात्र की नींव मजबूत करनी है, क्योंकि फाउंडेशन इसका नाम ही रखा गया फाउंडेशन स्टेज, तो नींव मजबूत करनी है। और इसका पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम होगा, कैसे पूरी एक्टिविटीज होंगी, कैसे कैसे बच्चे को शिक्षा के प्रति रुचि बढ़े, इसके लिए NCERT इसके लिए पूरा मानक तैयार करेगा, पहला काम तो ये किया जाएगा। और इसमें प्री प्राइमरी प्लस आपका पहली और दूसरी, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, प्री प्राइमरी प्लस पहली और दूसरी, ये 5 साल इसके साथ रखेंगे। इसके तहत बच्चों को खेलकूद की और अलग गतिविधियों के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी, है ना, खेलकूद ये सब प्ले स्कूल होते हैं ना, उसी के माध्यम से, तो उन्हें अच्छे से विकसित किया जाएगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, दूसरा जो पूरा का पूरा इरा है क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th तक, बच्चा थोड़ा मेच्योर होता है लेकिन अभी भी उसका बचपना जाता नहीं है, लेकिन पहले फाउंडेशन स्टेज पे बच्चे को उसी तरीके से ट्रीट करना है। लेकिन क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th तक, इस अवधि पर बच्चे को विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और जो मानविकी हैं, ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट हैं, ऐसे विषयों से उसे परिचित कराया जाएगा। और उसको ये पूरा का पूरा मिडिल स्टेज के तहत आएगा, ये पूरा मिडिल स्टेज है। और इसके बाद जो है बच्चा जो है क्लास 6 से 8 तक जाएगा, तो एक नए स्टेज में प्रवेश करेगा, और नए स्टेज में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें होंगी, सच में आपको बड़ा इस चीज़ को लेकर देखेंगे तो बड़ी आदर्शात्मक स्थिति दिखेगी कि क्लास 6 के बाद बच्चा जो है कंप्यूटर कोडिंग तक सीख सकता है, ऐसा भी प्रावधान पूरा देखेंगे बिल में जो प्रारूप है, आगे मैं अभी चर्चा करूंगा। क्लास 6 के बाद बच्चा जो है ऐप डेवलप करना, कंप्यूटर कोडिंग, सॉफ्टवेयर बनाना या लैंग्वेज जो है इसको लेकर के भी अब काम करवाया जाएगा, जो कि चाइना जैसे देशों में ऑलरेडी करवाया जा रहा था। तो भारत में भी जो नई शिक्षा नीति आ रही है, बच्चे की स्किल डेवलपमेंट पे काम क्लास 6 से ही चालू किया जाएगा, क्लास 6 से 8 तक में उसके अंदर स्किल डेवलप करने का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। समझिए बड़ी बात है ना, क्योंकि देखिए हमारे यहां पे शिक्षा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं बच्चों आज आप लोगों को बताता हूं, अब जितने भी लोग मेरे साथ हो सबको एक जानकारी तो है कि हमारे यहां पे शिक्षा का सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है, दो उद्देश्य होते हैं शिक्षा को, पहला तो व्यक्ति का निर्माण करना, पहला होता है नागरिक का निर्माण करना, व्यक्तित्व का निर्माण करना आपको ज्ञानार्जन के साथ। दूसरा उद्देश्य होता है शिक्षा व्यापार, वाणिज्यीकरण तो है लेकिन शिक्षा क्या आपको रोजगार दे सकती है, रोजगार परक है या नहीं है। कारण है हमारे यहाँ की शिक्षा रोजगार परक नहीं है, हमारे यहाँ पे आप ग्रेजुएट हो जाइए, मास्टर कर लीजिए, PhD कर लीजिए, MPhil कर लीजिए, इसके बावजूद भी आप सरकार के सहारे ही बैठे हुए हैं कि सरकार ही आपको जॉब दे। तो शिक्षा को हमें रोजगार परक बनाना पड़ेगा, स्किल डेवलप करना पड़ेगा आपका, इसको लेकर के भी इस पूरी शिक्षा नीति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा आपको बिल पढ़ने के बाद लगेगा और ऐसा हो भी रहा है, तो ये जानना बहुत जरूरी है, इसको लेकर अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्लास जब 9 से 12 में आएंगे, इस स्टेज में छात्रों को विषयों के प्रति गहरी समझ विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, छात्रों की जो एनालिटिकल पावर है, विश्लेषणात्मक क्षमता है, उस पर काम करने का प्रयास किया जाएगा, और जीवन में उनको क्या अपने लक्ष्य निर्धारित करने, इस विषय पर भी विशेष तौर पे प्रयास किया जाएगा कि आप अपने आने वाले समय में अपने जीवन में, क्योंकि यहीं से आपका कैरियर स्टेज भी चालू हो जाता है, यहीं से आपका कैरियर का भी प्रारंभ हो जाता है, आप अपने कैरियर के बारे में यहीं से सोचना शुरू कर देते हैं। तो क्लास ऐसे करके जो 4 स्टेज बनाए गए हैं, 5+3+3+4, इसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाएगा, पहली चीज तो ये। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, मेरा प्रयास रहेगा कि आपको चीजें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएं। तो ये हो गया आपका फाउंडेशन से लेकर के 12th तक का सफर, अब ये इस डायरेक्शन पे पूरा का पूरा चलाया जाएगा। अब 12वीं के बाद क्या होगा, 12वीं के बाद एक बहुत शानदार व्यवस्था है। देखो 12वीं तक एक चीज और है, स्ट्रीम खत्म कर दी गई है, ये नहीं है कि आप साइंस साइड से हैं, आप आर्ट साइड से हैं, आप जो है वाणिज्य ले रहे हैं, आप कॉमर्स साइड में जा रहे हैं, अब ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। यदि कोई बच्चा इतिहास विषय वस्तु वाला है तो मैथ भी पढ़ सकता है, मैथ वाला फिजिक्स भी पढ़ सकता है, फिजिक्स वाला पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, तो स्ट्रीम सिस्टम अब खत्म हो जाएगा। जिस बच्चे को जो रुचि हो,
कई सब्जेक्टों के पूल बनाए जाएंगे, मल्टीपल पूल बनाए जाएंगे, कई सब्जेक्टों को एक साथ एक पूल पे रखा जाएगा। उस सब्जेक्ट में फिजिक्स और इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, ये सब हो सकते हैं। अब ये क्या होगा आगे चल के परिभाषित होगा, आप उनमें से कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं। ये नहीं होगा कि भाई पीसीएम ही करेंगे आप, ये नहीं होगा। आपकी जो रुचि है अपने रुचि के अनुसार पढ़िए, ये सबसे बड़ी चीज इसमें निकल के आ रही है। तो आर्ट साइड साइंस साइड का जो पूरा क्राइटेरिया था, जो डिवीजन था, ये खत्म हो जाएगा। आपको मैथ पढ़नी है, इतिहास पढ़नी है, दोनों पढ़ सकते हैं। तो एक सबसे बड़ी चीज तो ये। अब ये जब आप ट्वेल्थ कर लेंगे, ट्वेल्थ के बाद एक बहुत ही मुझे सबसे प्रभावी यही लगा, जो इसमें सबसे शानदार कोई बात है, और मैं सचिव साहब को सुन रहा था तो उन्होंने भी यही बात कही कि इसका जो सबसे बेहतरीन वो है आपका, इसको बोलते हैं मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम, है ना, बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी प्रणाली, ये जो विकसित की गई है, बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी प्रणाली। आप देख सकते हैं इसमें पूरा का पूरा जो पूरा फॉर्मेट बनाया गया है, इस फॉर्मेट में हाँ ये है आपका बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी प्रणाली, और एक पूरा का पूरा सिस्टम है। आगे चलेंगे, इसको क्रेडिट ट्रांसफर भी कहते हैं, और क्रेडिट सिस्टम एक बनाया गया है आपकी शिक्षा को लेकर के। तो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम बनाया गया है, जिसका मतलब ये है कि यदि आप बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, कॉमर्स करते हैं, बीटेक करते हैं, बीबीए करते हैं, एलएलबी करते हैं, जो कुछ भी आपको करना हो, आप जब उसे प्रारंभ करते हैं तो कई बार ये होता है कि आप बीच में ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं, आप छोड़ देते हैं। फर्स्ट ईयर के बाद आपने नहीं किया, सेकेंड ईयर के बाद आपने नहीं किया, थर्ड ईयर के बाद आपने नहीं किया, मतलब कोर्स कंप्लीट नहीं करते। चार साल का यदि बीटेक है तो चार साल में यदि किसी साल आपने ड्रॉप आउट कर दिया तो आपका पूरा का पूरा आपकी मेहनत पानी में चली जाती थी, वो सिस्टम अब खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा, यदि आपने एक साल पढ़ाई की, ठीक है, तो एक साल यदि आपने पढ़ाई की तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक साल की पढ़ाई का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और एक साल की पढ़ाई का आपका क्रेडिट भी होगा। जैसे कि आपका बैंक सिस्टम है ना, बैंक में आप पैसे जमा करते हैं, वैसे ही डिजी लॉकर में, डिजी लॉकर आप देखेंगे डिजिटल लॉकर है, उसी में आपके क्रेडिट स्टोर किए जाएंगे, आपके एकेडमिक क्रेडिट आपका स्टोर होगा, अभी उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो एक साल यदि आपने कोई भी कोर्स किया उसका आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक साल बाद यदि आप ड्रॉप आउट करते हैं तो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा, एक साल बाद भी आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, एक बहुत अच्छी चीज ये है। यदि आप 2 साल बाद कोई कार्य कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा, मान लीजिए आपने बीटेक किया, 2 साल बाद आपने छोड़ दिया 4 सेमेस्टर के बाद, तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। 3 साल बाद यदि आपने कोई कार्य किया, कुछ कोर्स है जो 3 साल के हैं, कुछ है जो 4 साल के हैं, तो 3 या 4 साल के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी, बेस्ट सुपर सबसे अच्छा जो है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। आप मल्टीपल कई कोर्स कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एलएलबी आपने शुरू किया, एलएलबी 1 साल करने के बाद आपको लगा नहीं यार ये स्ट्रीम ठीक नहीं है, मैं दूसरी स्ट्रीम पे जाना चाहता हूँ, मुझको जो है बीटेक करना है, बीटेक चले गए, वहाँ भी आपने 1 साल किया तो एक सर्टिफिकेट आपको वहाँ से मिलेगा, एक सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलेगा, एक सर्टिफिकेट आप कहीं और चले सकते हैं। तो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का ये पूरा सिस्टम अपने आप में बहुआयामी है, ये आपको सबसे जो है महत्वपूर्ण रहेगा। और 4 साल के डिग्री के प्रोग्राम के बाद आप मास्टर या एमफिल ये करने की जरूरत नहीं है, आप पीएचडी सीधा कर सकते हैं। 4 साल की डिग्री के बाद जो है एमफिल प्रणाली को खत्म कर दिया गया, ठीक है, अब आपको सीधा डिग्री का आप इसके बाद एमए करेंगे, और एमए के बाद आप सीधा बिना एमफिल भी पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालय, इनके लिए सब एक मानक होंगे, एक राष्ट्र एक शिक्षा, ये पूरा का पूरा पद्धति होगी, पूरा पाठ्यक्रम पूरे देश का, ये नहीं कि बिहार में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, यूपी में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, महाराष्ट्र में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, साउथ इंडिया में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, ये डिवीजन खत्म हो जाएगा, अब एक ही शिक्षा होगी, एक ही सिलेबस होगा, एक ही पैटर्न होगा, ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि। और सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों का भी शिक्षा मानक सामान्य होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और इसके लिए एक इन्होंने कहा है कि एक इनोवेशन को लेकर के, रिसर्च और इनोवेशन आरएनडी के लिए को लेकर के, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसकी स्थापना की जाएगी, ऐसी भी बात सुनने में आ रही है, ठीक है। अब इसके लिए कुछ चीजें और समझ लीजिए, क्या क्या चीजें और होंगी इसमें, ठीक है।
पहले तो शिक्षा का पूरा फॉर्मेट बदल जाएगा आपका, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि 5+3+3+4 का सिस्टम आ जाएगा, और इसके बाद छात्रों के भविष्य को लेकर के छात्रों को एक तो सबसे बड़ी चीज़ स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा। बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, आप विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमैनिटी, जो भी विषय आपको पढ़ना है वो पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है 5वीं तक जो आपकी शिक्षा है वो आपकी मातृभाषा में होगी। आप संस्कृत आदि आपकी मातृभाषा है संस्कृत में होगी, यदि आप कन्नड़ बोलते कन्नड़ में होगी, तेलुगु में, तमिल में, मराठी में, हिंदी में। ये सिस्टम नहीं कि इंग्लिश में कंपलसरी है, इंग्लिश की अनिवार्यता समाप्त की जा रही, मैकाली शिक्षा नीति को समाप्त किया जा रहा है, इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, त्रिभाषा फार्मूला, एक अंग्रेजी, एक हिंदी और एक स्थानीय भाषा आपको सीखनी होगी। तो त्रिभाषा फार्मूला पर जोर दिया जाएगा और 5वीं तक की पढ़ाई आपके मातृभाषा पर होगी, और यह भी प्रयास किया जाएगा कि आपको कई भाषाएं सिखाई जाएं, क्योंकि बच्चा जो है शुरुआती 8 साल की उम्र में कई भाषाओं को आसानी से सीख सकता है, तो यह उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो 5वीं तक की पढ़ाई आपकी मातृभाषा में होगी, स्थानीय भाषा में होगी, राष्ट्रभाषा में होगी, अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। छठी कक्षा से बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा, क्लास 6 से ही बच्चे को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का भी मौका मिलेगा, और इसके तहत वो सॉफ्टवेयर, मोबाइल फ़ोन, एप्लीकेशन बनाने की तकनीकी सीख पाएगा। इंटर्नशिप का भी प्रोग्राम रखा जाएगा, बच्चा चाहता है कि वो डायरेक्टली जाकर कहीं पर, वो छठी क्लास के बाद भी कहीं पर वो प्रैक्टिकल कर सके, उसके लिए इंटर्नशिप से लेकर सारे प्रोग्राम रखे जाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज को लेकर के भी कार्य किया जाएगा, है ना। इसके बाद जो परीक्षाएँ होंगी, 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाएँ सेमेस्टर आधारित होंगी, यानी कि हर बोर्ड एग्जाम की जगह पे हर 6 महीने में एग्जाम होगा, हर बोर्ड एग्जाम की जगह पे हर 6 मंथ पे एग्जाम कराने की, यानी सेमेस्टर प्रणाली विकसित की जाएगी क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक। ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक सेमेस्टर प्रणाली होगी। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और जो भी पॉइंट है मैं सारे पॉइंट आपको बता दूंगा, ठीक है। बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा, ये भी प्रयास किया जाएगा, इसमें छात्रों की क्षमता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, प्रयास ये किया जाएगा ट्यूशन और कोचिंग क्लास, ये जो रट्टा लगवाने की समस्या है इसको समाप्त किया जाए, और बच्चे को उसकी पसंद में, उसकी भाषा में आसानी से वो परीक्षा दे सके और परीक्षा को वो अपने हिसाब से विकसित कर सके, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड में जितने भी शिक्षा के अतिरिक्त जो बहुत सारी गतिविधियां, उनके भी अंक जुड़ेंगे, है ना। आपकी मानसिक क्षमताओं को, छात्र की मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, अतिरिक्त बहुत सारी गतिविधियां जिसके साथ छात्रों को जोड़ा जाएगा। एक तरीके समझिए कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच या 360 डिग्री जो असेसमेंट होगा आपका, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाएगा, आपके अंदर बहुआयामी, तो देखने में सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अब बस प्रयास ये है कि हमारे स्कूल के शिक्षक, हमारे स्कूलों को भी उसी क्षमता पर, जिनको इसे विकसित कराना है वो भी उसी क्षमता के हैं या नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, ठीक है। इसके बाद एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, है ना। तो कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्र जितने भी है, इसका मतलब ये है कि बहुत बार ये होता है कि आपका परसेंटेज बहुत कम आता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रयास ये किया जा रहा है, कई बार परसेंटेज बहुत कम आता है, तो ऐसी स्थिति में जो यूनिवर्सिटियां हैं, सभी एनटीए के माध्यम से, नेशनल टेस्ट एजेंसी बनाई गई है, एनटीए के माध्यम से ये क्या करेंगी, ये सभी जितनी भी एनटीए के माध्यम से ये अपने टेस्ट लेंगी, उसके जो आपके अंक होंगे उन अंकों को भी जोड़ दिया जाएगा, उन अंकों को भी इसमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, आपको पढ़ाई छोड़ने के बाद भी सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा जिसके माध्यम से आप जो भी कोर्स करेंगे, यदि आप उसको बीच में भी छोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके माध्यम से आपको डिजी लॉकर में आपके पूरे के पूरे जितने भी पॉइंट होंगे, जो भी क्रेडिट होंगे, उसी के अंदर रहेंगे और आप उसका लाभ आपको मिलेगा। जब भी आप जॉब के लिए जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से आपका, ठीक है। और इसमें किसी भी स्थानीय
स्थानीय भाषा में आपकी पढ़ाई को लेकर के, इसके बाद जितना भी हायर एजुकेशन है उसको लेकर के भी पूरे बदलाव होंगे। स्कूल कॉलेजों की फीस पर मनमानी फीस पर रोक लगेगी। और इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर इसका नाम क्या कर दिया गया है, इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब कुछ पॉइंट और हैं यहाँ पर, वो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, सबसे पहला है 5वीं तक पढ़ाई के लिए मातृभाषा या स्थानीय भाषा के जरिए कराई जाएगी। 6ठी के बाद से वेकेशनल एजुकेशन की शुरुआत की जाएगी, यानी यहाँ से आप जो है कोई भी किसी भी तरीके का स्किल आपका चालू करवाया जाएगा, ताकि आप शुरुआत से ही एक स्किल आपके अंदर रहे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षण संस्थाओं में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके लिए NTA एक संस्था बनाई गई, नेशनल टेस्ट एजेंसी, उसके द्वारा लिया जाएगा। इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडी हैं जो शिक्षण क्षेत्र में कई जगह पे UGC है या फिर अन्य बहुत सारी बॉडी हैं, तो सभी को समाप्त करके एक सिंगल रेगुलेटर बना दिया जाएगा, एक सिंगल एकल नियामक संस्था बनाई जाएगी। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लीगल और मेडिकल कॉलेजों को छोड़ करके सभी उच्च संस्थानों का संचालन एकल नियामक के द्वारा किया जाएगा, सिंगल रेगुलेटर के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा MPhil कोर्सेज को ख़त्म किया जाएगा, आप बिना MPhil के भी PhD कर सकते हैं। इसके अलावा सभी सरकारी और निजी उच्च संस्थानों के लिए एक ही मानदंड होंगे, मैंने आपको बता दिया। बोर्ड परीक्षाओं में रटने की जगह ज्ञान के आधार पर पूरा का पूरा संस्थान विकसित किया जाएगा। संस्थानों को ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का भी विकल्प दिया जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय डिजिटल भी किया जाएगा संस्थानों को। और इसके अलावा हर छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने का प्राथमिकता दी जाएगी। छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई और अलगाव नहीं होगा, यानी स्ट्रीम प्रणाली खत्म हो जाएगी, अब कोई किसी स्ट्रीम का छात्र नहीं रह जाएगा। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। वैचारिक समझ पर जोर होगा, रचनात्मकता और बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में प्रयास किया जाएगा। साथ साथ इथिकल वैल्यू, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होंगे, यानी कि इथिक्स नैतिकता की शिक्षा प्रारंभ से ही देनी प्रारंभ की जाएगी, ताकि बच्चा आगे चल के राष्ट्र निर्माण में भावी भूमिका अदा कर सके। तो सुनने में ये बिंदु बड़े अच्छे लग रहे होंगे, जो आने वाले समय में नई शिक्षा नीति है इसको लेकर के अभी जो नए बहुत सारे विषय वस्तु हैं जो स्पष्ट होंगे, सरकार के जितने भी इसको लेकर अभी विषय वस्तु आएंगी मैं सभी आपको बताऊंगा। जो महत्वपूर्ण इसमें परिवर्तन हुए हैं, दो परिवर्तन आपको याद रखिएगा, 10+2 को समाप्त करके क्या बना दिया गया है, 5+3+3+4, इसे ध्यान रखना है, त्रिभाषा फार्मूला है, स्थानीय भाषा को महत्व दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम, यानी कोई भी कभी भी कोई कोर्स समाप्त करता है तो उसको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री के माध्यम से उसकी शिक्षा को पूरी तरीके से संरक्षित किया जाएगा, उसे समाप्त नहीं किया जाएगा। इतनी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है, इसके बाद आगे जो कुछ भी होगा मैं अभी आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। सिंगल रेगुलेटर बॉडी बनाई जाएगी, रेगुलेशन जो है अब ये नहीं रहेगा कि कई संस्थाओं के द्वारा कराया जा रहा है, सभी को ख़त्म करके एक रेगुलेटरी बॉडी, अब ये क्या होगी कैसे होगी इसको भी देखेंगे, है ना। इसके बाद अभी जब ये बिल अभी संसद में जाएगा वहाँ पे चर्चा का विषय बनेगा, इसके बाद ये पास होगा तो देखते हैं इस पर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, और इससे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, इसको लेकर के आपको एक पूरा का पूरा जो ऐतिहासिक क्रम है नई शिक्षा नीति, यानी कि प्रारंभ से लेकर भारत की जो शिक्षा नीति है उसको लेकर के भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों इसे जो है लागू करना अनिवार्य है, और इसमें क्या सुधार हो सकते हैं, सुझाव क्या हो सकते हैं। लगभग दो साल तक लगातार सुझाव लिए गए हैं सरकार के द्वारा, उसके बाद ये पूरी शिक्षा नीति आई है, ठीक है। तो चलिए अब मैं चर्चा करूंगा आपके विषय वस्तु के बारे में, इसको लेकर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।